कोर्ट ने उसको रोका है। तो हम तो ऐसे ही कहते हैं कि ठंडी हवा का एक झोंका है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गवर्नमेंट के स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली कोलैप्स हो चुका है, तो उसको भी किया जाना चाहिए ठीक। अगर यहाँ कुछ कमी है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये नहीं है सिर्फ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनका इशू ये है बंदी हो जाए, चले ही नहीं, चाहे कम्युनिटी के खुद के चलाने वाले हो चाहे गवर्नमेंट फंडेड हो। अच्छा मदरसे की बात करते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं, मदरसे को क्यों गवर्नमेंट फंड देगी? भाई गवर्नमेंट मदरसों को सिर्फ नहीं देती है, गुरुकुल को भी देती है। थाली में रखकर, जहर को थाली में रखकर मिठाई के साथ परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के उस कम्युनिकेशन पर, उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें सभी सरकारों को मदरसे की फंडिंग बंद करने को कहा गया था, और कहा गया था कि जो मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं उनको जो है बंद किया जाए, साथ ही साथ वहां गैर इस्लामी जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाल के फॉर्मल एजुकेशन में लाया जाए। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस तरह के किसी भी कम्युनिकेशन या आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। मदनी साहब, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का उन छात्रों के लिए, खास करके जिनके लिए तालीमी शिक्षा के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए मदरसा ही एक सहारा होता है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए दो बातें हैं इसमें, एक तो फंडिंग का इशू है, वो अभी चल रहा है, उस पर यूपी मदरसा बोर्ड वाले लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा ये मसला है कि वो ओवरऑल सारे सिस्टम के खिलाफ, मदरसा एजुकेशन को के ही खिलाफ वो खड़े हो गए, और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज खड़े किए। एक इशू उन्होंने ये भी रेस किया कि NIOS में क्यों इनरोल कराया जा रहा है इन बच्चों को, NIOS कैसे रोक सकती है? एक बच्चे इनरोल होना चाह रहा है उसको NIOS कैसे रोकेगी, उनके कहने से रोक देगी? तो बहरहाल वो एक उनके मन में क्या है ये तो वही जाने, कोई एजेंडा है कोई सोच है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आंख पे पट्टी बांध ली है और बस एक ही बात कहनी है, ना सुनना है ना देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है, तो हम तो ऐसे ही कहते हैं कि ठंडी हवा का एक झोंका है। अच्छा सा बस NCPCR दावा करती है कि मदरसों में जो आधुनिक शिक्षा है के विषय हैं जो विज्ञान के हों चाहे गणित के हों वो उस तरीके से नहीं पढ़ाए जाते हैं, और खास करके जो गैर इस्लामी छात्र हैं उनको भी वहां रखा गया और उनको बेसिक शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, इसमें क्या सत्यता है? ऐसा है, अगर वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए किसी भी ऐसी जगह पर, तो ये तो अब उसके बारे में अभी कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए। जहां तक स्टैंडर्ड का सवाल है तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर कहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन किया ही जाना चाहिए, चाहे प्रॉपर स्कूल हो। हम देखते हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गवर्नमेंट के स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली कोलैप्स हो चुका है, तो उसको भी किया जाना चाहिए ठीक। अगर यहां कुछ कमी है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये नहीं है सिर्फ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनका इशू ये है बंदी हो जाए चले ही नहीं, चाहे कम्युनिटी के खुद के चलाने वाले हो चाहे गवर्नमेंट फंडेड हो। अच्छा मदरसे की बात करते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं, मदरसे को क्यों गवर्नमेंट फंड देगी? भाई गवर्नमेंट मदरसों को सिर्फ नहीं देती है, वो गुरुकुल को भी देती है, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजियस कम्युनिटी को रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वो उनको फॉर्मल एजुकेशन भी मिले, इस तरह का एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया गया मदरसों के लिए भी उनके लिए भी। तो अब इसके ऊपर तो चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और इसके ऊपर भी अभी आज आ जाए या दो चार दिन में जब भी नेक्स्ट किसी डेट में आए तो आएगा फैसला। तो मनी साहब एक सवाल इतर है लेकिन बहुत वाजिब, जो हेट स्पीच को लेकर तमाम बातें होती है, वाजिब ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मामला खुद तमाम लोग उठा रहे हैं, जिम्मेदार लोग उठा रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, चमोली के जिलों में तमाम मुसलमान दुकानदारों को शहर छोड़ने तक के लिए कह दिया गया है, उसमें सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उस UCC में मुसलमान नहीं आता है, क्या उनके समान कानूनी अधिकार नहीं? इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं आप जिस तरह के संगठनों द्वारा उसको लेकर जो चिंता है उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के इस राष्ट्र की आत्मा के रूह के खिलाफ है। मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं समझता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ तो है ही है, ये मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि थाली में रखकर, जहर को थाली में रखकर मिठाई के साथ परोसा जा रहा है।
और जो लोग भी इसका यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं जिसका इलाज नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का ही होगा जिनको परोसा गया है, और देश को होगा, यानी उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान देश का होने वाला है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं इस एटीट्यूड। चलिए, तो निंदा करते हैं, और मदरसा एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उस पर उन्होंने कहा है कि ये एक ठंडी हवा का झोंका चला है, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि मदरसों को लेकर जो है वो सारी जो एक अस्पष्टताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात है तो वो हर स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मदरसों को निशाने पर लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है, तो हम तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई ठंडी हवा का एक झोंका है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में गवर्नमेंट के स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली कोलैप्स हो चुका है, तो उसको भी किया जाना चाहिए ठीक। अगर यहाँ कुछ कमी है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये नहीं है सिर्फ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनका इशू ये है बंद ही हो जाए, चले ही नहीं, चाहे कम्युनिटी के खुद के चलाने वाले हो चाहे गवर्नमेंट फंडेड। अच्छा, मदरसे की बात करते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं, मदरसे को क्यों गवर्नमेंट फंड देगी? भाई गवर्नमेंट मदरसों को सिर्फ नहीं देती है, गुरुकुल को भी देती है। थाली में रखकर, जहर को थाली में रखकर मिठाई के साथ परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के उस कम्युनिकेशन पर, उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें सभी सरकारों को मदरसे की फंडिंग बंद करने को कहा गया था, और कहा गया था कि जो मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं उनको जो है बंद किया जाए, साथ ही साथ वहां गैर इस्लामी जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाल के फॉर्मल एजुकेशन में लाया जाए। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस तरह के किसी भी कम्युनिकेशन या आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। मदनी साहब, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का उन छात्रों के लिए, खास करके जिनके लिए तालीमी शिक्षा के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए मदरसा ही एक सहारा होता है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो फंडिंग का इशू है, वो अभी चल रहा है, उस पर यूपी मदरसा बोर्ड वाले लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा ये मसला है कि वो ओवरऑल सारे सिस्टम के खिलाफ, मदरसा एजुकेशन को के ही खिलाफ वो खड़े हो गए, और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज खड़े किए। एक इशू उन्होंने ये भी रेस किया कि NIOS में क्यों इनरोल कराया जा रहा है इन बच्चों को। NIOS कैसे रोक सकती है? एक बच्चा इनरोल होना चाह रहा है, उसको NIOS कैसे रोकेगी? उनके कहने से रोक देगी? तो बहरहाल वो एक उनके मन में क्या है ये तो वही जाने, कोई एजेंडा है, कोई सोच है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आंख पे पट्टी बांध ली है और बस एक ही बात कहनी है, ना सुनना है ना देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है, तो हम तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई ठंडी हवा का एक झोंका है।